तो भाई लोग, जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का पहला T20 मैच है ना, ये खेला जाएगा थर्सडे 23 नवंबर इंडिया टाइम अनुसार 7 PM से। आप इसका लाइव एक्शन देख सकते हैं। यह मुकाबला खेला जाएगा डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम विशाखापट्टनम में। तो भैया यहाँ का जो पिच है वो कैसा है, क्या बल्लेबाजी के लिए बेहतर है या गेंदबाजों के लिए अच्छा, और यहाँ के मैदान पे इंडिया की तरफ से कौन से प्लेयर हैं जो सबसे ज़्यादा रन बनाएंगे, या कौन सा गेंदबाज है जो सबसे ज़्यादा विकेट लेगा, या ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कौन से ऐसे गेंदबाज हैं जो बढ़िया गेंदबाजी करते हुए सबसे ज़्यादा विकेट चटकाएंगे, या कौन से बल्लेबाज हैं जो सबसे ज़्यादा रन बना के देंगे, या दोनों टीमों में ऐसे कौन से प्लेयर हैं जो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करके देंगे विशाखापट्टनम के मैदान पर। उससे पहले दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या होंगे ये भी जानेंगे, और इन सब के बीच में ना आपसे एक सवाल पूछा जाएगा। उस सवाल का आप सही सही जवाब देके ना 2500 का गिब्बे भी अपने नाम पे कर सकते हैं, वो भी एक दो तीन लोग नहीं, पूरे 11 लोग। एक सवाल पूछा जाएगा वीडियो के बीच में, उस सवाल का सही जवाब देना है, 2500 का गिब्बे अपने नाम पे कर सकते हैं। बस ये जो टर्म एंड कंडीशन दिख रही है ना, इसको सही से पढ़ना, क्योंकि आप इसे सही से नहीं पढ़ोगे तो हो सकता है जीत कर भी हार जाओ। दूसरी चीज़ ये है कि पूरी वीडियो आपको देखनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी। अगर आप वीडियो बीच में स्किप कर दोगे तो हो सकता है आपको गिब्बे ना दिया जाए, इसलिए आपको पूरी वीडियो जरूर से ज़रूर देखनी है। अब हम आते हैं आज के मैच पर और जानते हैं कौन से बल्लेबाज कौन से गेंदबाज आज के मैच में फंटेसी क्रिकेट के लिए बढ़िया रहेंगे, जिसके साथ अगर हम फंटेसी क्रिकेट की टीम बनाएंगे तो अपने जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाले हैं। और फिक्र मत करो, क्योंकि आपका भाई आपको ना ड्रीम इलेवन की जबरदस्त विनिंग टीम भी बना के देगा वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो चलो फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या होगी आज के इस मैच में। इंडिया की बात करें तो यशस्वी जायसवाल के साथ ईशान किशन ओपन करते नजर आएंगे, तीसरे नंबर पर ऋतुराज गायकवाड़, चौथे नंबर की बात करें तो सूर्य कुमार यादव, पांचवें नंबर की बात करें तो आपको यहां पे तिलक वर्मा दिखेंगे, छठवें नंबर पर रिंकू सिंह, सातवें नंबर पर शिवम दुबे, आठवें नंबर की बात करें तो अक्षर पटेल, नौवें नंबर की बात करें तो रवि बिश्नोई, दसवें नंबर पर प्रसिद्ध कृष्णा, ग्यारहवें नंबर पर अर्शदीप सिंह। तो ये हो सकती है इंडिया की इस मैच की पॉसिबल प्लेइंग 11। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो मैथ्यू शॉर्ट के साथ ट्रेविस हेड ओपन करते नजर आएंगे, तीसरे नंबर पर स्टीवन स्मिथ दिखेंगे, चौथे नंबर की बात करें तो ग्लेन मैक्सवेल, पांचवें नंबर पर कप्तान विकेट कीपर मैथ्यू वेट, छठवें नंबर पर आपको मार्कस स्टोनिस दिखेंगे, सातवें नंबर पर टिम डेविड, आठवें नंबर की बात करें सीन एबॉट, नौवें नंबर पर एडम जंपा, दसवें नंबर की बात करें तो नाथन एरिस, और ग्यारहवें नंबर पर जैसन बैरनडॉर्फ। ये हो सकती है ऑस्ट्रेलिया की इस मैच की पॉसिबल प्लेइंग 11। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखना, दोनों टीमों का पहला पहला मैच है तो दोनों टीमों की जो प्लेइंग 11 है ना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है। तो फाइनल प्लेइंग 11 आपको दोनों टीमों की मिलेगी मैच स्टार्ट होने के 3 घंटे पहले कहां पे, मेरे टेलीग्राम पे। और भैया बस प्लेइंग 11 थोड़ी ना मिलेगी आपको, इस मैच की ड्रीम 11 की विनिंग टीम भी मिलेगी मेरे टेलीग्राम पर, वो भी एक नहीं दो नहीं तीन तीन। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाओ या जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहां पे भी मेरे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, अब सब इन फंटेसी के नाम पे होगा, तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर डालो अगर आपको इस मैच की तीन तीन ड्रीम 11 की विनिंग टीम चाहिए। तो वैसे अगर हम यहां पे विशाखापट्टनम मैदान की बात करें तो इस मैदान पे 3 T20 मैच खेले गए इंटरनेशनल के, जिसमें से एक मैच में टारगेट डिफेंड हुआ, 2 मैच में टारगेट चेज, मतलब 3 मैचों से ज़्यादा हम पता नहीं लगा सकते कि चेज ज़्यादा हुआ या डिफेंड कम हुआ, जब 8-10 मैच हो जाएंगे तब पता चलेगा। एवरेज स्कोर यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का 157, मतलब इस मैदान पर बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच नहीं होता, थोड़ा सा मीडियम स्कोरिंग मैच होता है। तो ऐसे मैदान पर कौन से प्लेयर अपने लिए बढ़िया रहेंगे वो आगे जानेंगे। अगर हम इस मैदान के हाईस्ट स्कोर की बात करें फर्स्ट इनिंग का 179 5 विकेट जो कि टीम इंडिया के नाम पर है, लोएस्ट स्कोर यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का 82 ऑल आउट जो कि टीम श्रीलंका के नाम पर है। अगर हम यहाँ के मैदान पे हाईएस्ट टोटल चेज की बात करें जिसे ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के सामने 2019 में किया था, लोवेस्ट टोटल डिफेंड की बात करें तो 179 जिसे इंडिया ने साउथ अफ्रीका के सामने 2022 में किया था। भाई लोग यहाँ का जो सरफेस है ना वो थोड़ा सा ग्रोस है, जिसकी वजह से होता क्या कि न्यू बॉल से तेज गेंदबाजों को थोड़ा बहुत स्विंग करता है, लेकिन कंडीशन जो है वो बैटिंग कंडीशन है, मतलब जब एक बार बॉल की साइनिंग खत्म हो जाती है तो जो बॉल होता है ना बैट पर ठीक ठाक तरीके से आता है। लेकिन यहाँ की बाउंड्री लेंथ की बात करें तो 57 मीटर से 76 मीटर की, मतलब पीछे की साइड थोड़ा सा छोटी है लेकिन सामने स्क्वायर बाउंड्री जो ठीक ठाक बड़ी है, तो जो स्पिनर्स गेंदबाज है ना वो भी गेम में रहते हैं, अगर उनको रन भी पड़ता है तो विकेट भी निकाल के देते थे। ऐसी पिच पे जो ऑलराउंडर्स होते हैं ना वो ज्यादा योगदान देते हैं, क्योंकि वो बढ़िया बल्लेबाजी के साथ साथ बढ़िया गेंदबाजी भी कर सकते हैं, बाकी जो शुरू के बल्लेबाज वो थोड़ा सा फंस सकते हैं क्योंकि बॉल शुरू में थोड़ा सा स्विंग करता है, तो तेज गेंदबाज भी आपको बढ़िया पॉइंट्स दे सकते हैं। बाकी जो बल्लेबाज थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं, साथ में थोड़ा सा स्पिन गेंदबाजी करते हैं या मीडियम पेसिंग गेंदबाजी करते हैं, वो आपको बढ़िया पॉइंट्स देंगे। ऐसे मैं थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, ऐसा करता हूँ जल्दी जल्दी एक एक प्लेयर के बारे में जानते हैं, तब आपको समझ में भी आएगा और मज़ा भी आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे यशस्वी जायसवाल की, जिन्होंने आखिरी के 10 मैच में 389 रन बनाए,
जब भी ये T20 खेलते हैं ना, छप्पर फाड़ कर मनाते हैं, और मुझे लगता है आज के मैच में ना शुरुआत धमाकेदार करेंगे यशस्वी जायसवाल। धमाकेदार करने का मतलब है 50-60 रनों की ताबड़तोड़ या 40 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल सकते हैं, मतलब ठीक ठाक पॉइंट्स यशस्वी जायसवाल आज के मैच में आपको देने वाले हैं। तो यशस्वी जायसवाल को हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगह देनी चाहिए। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पे ईशान किशन की बात करें तो इन्होंने आखिरी के 10 मैच में 307 रन बनाए। ईशान किशन 10 मैच 307 रन, ये भी काफी एक्सपीरियंस लेके आते हैं और इनकी भी जो फॉर्म होती है काफी ज्यादा बढ़िया होती है। सबसे बड़ी बात, विशाखापट्टनम के मैदान पे जो एक मैच खेला था उसमें 54-54 की पारी खेले थे, और मुझे लगता है ऐसी पारी फिर से खेल के जाएंगे 50-60 या 40-50 रनों की। तो ईशान किशन भी बढ़िया पॉइंट्स देंगे, साथ में विकेट कीपिंग करेंगे तो वहां से भी आपको ठीक ठाक पॉइंट्स देंगे। तो ईशान किशन को भी हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगह देनी चाहिए। जगह देने के साथ साथ अकॉर्डिंग टू मी हो सके तो कैप्टन या वाइस कैप्टन भी ईशान किशन को आज के मैच में आप ट्राई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो इन्होंने आखिरी के 10 मैच में 417 बनाए, 10 मैच 417 रन। इनकी भी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी ज़्यादा जबरदस्त है, और इन्होंने भी विशाखापट्टनम के मैदान पे एक मैच खेला था, 57-57 रन बनाए थे। मतलब विशाखापट्टनम का जो मैदान है इनको भी पसंद है, किसको, ऋतुराज गायकवाड़ को। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील आ रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ आज के मैच में ना थोड़ा सा जल्दी पवेलियन लौट जाएंगे 5-10-15 बना के। तो अकॉर्डिंग टू मी ऋतुराज गायकवाड़ को आज के मैच में अपनी टीम में जगह नहीं देनी चाहिए। वहीं बात करें सूर्या कुमार यादव की तो इन्होंने आखिरी के 10 मैच में 421 रन बनाए। T20 में हमेशा बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हैं कौन, सूर्या कुमार यादव। और ऑस्ट्रेलिया के सामने 3 T20 मैच खेल चुके हैं, 142 रन ठोक चुके, तो मतलब ऑस्ट्रेलिया के सामने T20 में बहुत ही तगड़ी ठुकाई कर चुके हैं। हालांकि एडम चंबा के सामने थोड़ा फंसते जरूर हैं, तो वर्ल्ड कप में जो दबाव था, जो जिस तरह की परफॉर्मेंस करी तो काफी आलोचना झेलनी पड़ी सूर्या कुमार यादव को, तो उसका बदला आज के मैच में सूर्या ले सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि सूर्या बदला आज के भी मैच में ना ले पाएंगे, हो सकता अगले मैच में लेंगे। आज के मैच में थोड़ा सा जल्दी सूर्या निपट जाएंगे 5-10-15 बना के। तो अकॉर्डिंग टू मी सूर्या कुमार यादव को भी ना आज के मैच में जगह नहीं देनी चाहिए। तिलक वर्मा की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 447 रन बनाए। ये लौंडा काफी ज्यादा कमाल के फॉर्म में है, मतलब जहां भी जाता है रन बना के आता है, और थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी कर सकते हैं, हालांकि करेंगे नहीं मुझे लगता है, करवाएंगे नहीं, लेकिन बल्लेबाजी मुझे लगता है ये भी ताबड़तोड़ 30-35-40 रनों की या 50 रनों की पारी खेल सकते हैं, उससे लंबी भी खेल सकते हैं। तो तिलक वर्मा को भी हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगह देनी चाहिए। रिंकू सिंह की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 397 रन बनाए, 10 मैच 397 रन। इनको भी जब जब मौके मिले बढ़िया परफॉर्मेंस करी, चाहे इंटरनेशनल हो या फिर IPL हो या फिर डोमेस्टिक हो। लेकिन मुझे लगता है रिंकू सिंह भी आज के मैच में ज्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस ना कर पाएंगे, आएंगे 5-10-15 बना के निकल देंगे। तो रिंकू सिंह को भी हमें अपनी टीम में जगह नहीं देनी चाहिए। शिवम दुबे की बात करें तो इन्होंने आखिरी के 10 मैच में 334 रन बनाए, 10 मैच 334 रन, और साथ में जो गेंदबाजी करेंगे तो मुझे लगता है हार्दिक पांडे वाला रोल अदा कर सकते हैं कौन, शिवम दुबे। और मुझे लगता है शिवम दुबे आज के मैच में ना फिनिश अच्छा करेंगे, 30-35 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल सकते हैं, गेंदबाजी करने आएंगे तो मे बी एक आधा विकेट भी निकाल सकते हैं। तो शिवम दुबे आज के मैच में हमें ठीक ठाक पॉइंट्स देने वाले हैं, तो शिवम दुबे को अपनी टीम में जगह देनी चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, शिवम दुबे को अपनी टीम में जगह जरूर दें। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पे अक्षर पटेल की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 214 रन बनाए, 10 विकेट निकाला। इनसे काफी नीचे बल्लेबाजी कराई जाती है, हालांकि थोड़ा सा ऊपर कराए तो और भी रन दिखेगा, लेकिन सभी मैचों में जब भी बल्लेबाजी का नंबर आता 30-35-40 की ताबड़तोड़ पारी खेल देते हैं, एक आता विकेट भी ले लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सामने 3 T20 मैच खेला, 6 रन बनाए, 8 विकेट निकाला। आप सोचोगे 3 मैच में सिर्फ 6 रन, तो भैया 2 में बल्लेबाजी का नंबर नहीं आया था, 1 में ही आया था, तो एक आधा में बंदा फ्लॉप हो सकता है ना, वो भी 7वें 8वें में खेलते हैं यार, लेकिन 8 विकेट लिए, मतलब गेंदबाजी तगड़ी करते हैं किसके, ऑस्ट्रेलिया के सामने। और विशाखापट्टनम के मैदान पे इन्होंने भी एक मैच खेला, उस मैच में 5 रन बनाए थे, 1 विकेट निकाला था, तो वहां पे भी बल्लेबाजी इनकी काफी नीचे आई थी, विकेट 1 निकाला था। मतलब अक्षर पटेल आपको हमेशा ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करके देते हैं, एक आता 2 विकेट, और बल्लेबाजी का नंबर आया तो 25-30-40 रन ताबड़तोड़। और मुझे लगता है ऐसी परफॉर्मेंस आज के मैच में अक्षर पटेल फिर से देंगे, 20-25-30 रन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके जाएंगे अगर नंबर आएगा, और एक आता 2 या 3 विकेट भी अक्षर पटेल ले सकते हैं। तो अक्षर पटेल को अपनी टीम में जगह जरूर दें, जगह देने के साथ साथ हो सके तो इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं आज के मैच में, किसको, अक्षर पटेल को।
वहीं रवि बिश्नोई की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 15 विकेट चटकाए, 10 मैच 15 विकेट। रवि बिश्नोई भी ठीक ठाक गेंदबाजी करते हैं, सभी मैचों में एक दो विकेट कैसे भी करके निकाल लेते हैं। मुझे लगता है आज के भी मैच में 2-3 विकेट निकालेंगे रवि बिश्नोई, तो रवि बिश्नोई को भी हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगह देनी चाहिए। प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें जिन्होंने आखिरी के 10 मैच में 12 विकेट निकाले, तो T20 में जो प्रसिद्ध कृष्णा का रिकॉर्ड है वो उतना ज़्यादा शानदार नहीं है। मुझे लगता है 71 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा को मिलेगा, साथ में थोड़ा सा पिटाई भी हो सकती है, तो आई थिंक प्रसिद्ध कृष्णा को अपनी टीम में जगह नहीं देनी चाहिए। हर्षदीप सिंह की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 14 विकेट और डोमेस्टिक जो अभी खेला ना उसमें बहुत शानदार गेंदबाजी करके आए हैं हर्षदीप सिंह। उम्मीद लगता है न्यू बॉल से 1-2 विकेट निकालेंगे, डेथ में भी 1-2 विकेट निकालेंगे, तो मतलब 2-3 विकेट निकाल सकते हैं हर्षदीप सिंह आज के मैच में। तो हर्षदीप सिंह को भी ना हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगह देनी चाहिए। ट्रेविस हेड की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 314 रन बनाए, 10 मैच 314। अगर हम यहाँ पे देखें तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस T20 में भी ट्रेविस हेड करते हैं। इंडिया के सामने से पहले 4 T20 मैच खेला, 85 रन बनाए। आप बोलोगे T20 में तो ट्रेविस हेड का बल्ला नहीं चला, लेकिन तब ये 5वें 6वें नंबर पे बल्लेबाजी किया करते थे, तब की बात अलग है। अभी ये भाई साहब थोड़ा सा ओपन कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ट्रेविस हेड आज के मैच में नहीं चलेंगे, फ्लॉप हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि मुझे लगता है इंडिया के सारे गेंदबाज है ना इनके पीछे ही भगेंगे कि लौंडे को आउट करो, बाकी सारे शतक लगाए वतक लगाए, मेरे को नहीं मतलब, बस ट्रेविस हेड को कैसे भी करके आउट करना है। इनसे सारे बहुत ज्यादा गुस्सा है, तो मुझे लगता है इनको जल्दी फंसा लेंगे 5-10-15 के अंदर। तो आज के मैच में ट्रेविस हेड को टीम में जगह नहीं देनी चाहिए। बात करें मैथ्यू शॉर्ट की, इन्होंने आखिरी के 10 मैच में 247 रन बनाए, 4 विकेट निकाला, 10 मैच 247 बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते, 4 विकेट मतलब ठीक ठाक है लेकिन बहुत ज्यादा जबरदस्त नहीं है। मैथ्यू शॉर्ट का यही 1-2 मैच में चलते हैं, 1-2 मैच में नहीं चलते, और मुझे लगता है मैथ्यू शॉर्ट आज के मैच में ना तो बल्ले से कुछ कर पाएंगे और ना ही गेंदबाजी से कुछ कर पाएंगे, तो शॉर्ट को छोटा ही रहने दो, अपनी टीम में जगह नहीं देते। किसको? मैथ्यू शॉर्ट को। स्टीवन स्मिथ की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 441 रन बनाए, 10 मैच 441 रन, मतलब पिछला जब भी T20 मैच खेला था गजब की फॉर्म में थे, बढ़िया रन बना रहे थे, लेकिन इंडिया के सामने 9 मैच खेला 158 बनाए थे। इंडिया के सामने स्टीवन स्मिथ का जो रिकॉर्ड है वो उतना ज़्यादा शानदार नहीं है। अक्षर पटेल एंड वाशिंगटन सुंदर के सामने वैसे भी थोड़ा सा फंसते हैं, लेकिन मुझे लगता है स्टीवन स्मिथ आज के मैच में ना बढ़िया बल्लेबाजी कर सकते हैं। बढ़िया बल्लेबाजी का मतलब 50-60-70 की पारी खेल सकते हैं, तो स्टीवन स्मिथ को हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगह देनी चाहिए। जगह देने के साथ साथ हो सके तो स्मिथ को कैप्टन या वाइस कैप्टन भी ट्राई कर लेना चाहिए। अगर बात करें हम यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल की, जिन्होंने आखिरी के 10 मैच में 487 रन बनाए, 13 विकेट निकाला, उपत्री भाई साहब मतलब सभी मैचों में 40-50 की पारी और 1-2 विकेट, ये होती है ना भैया ऑलराउंडर परफॉर्मेंस। इंडिया के सामने 18 मैच खेला, 328 रन बनाए, सिर्फ 3 विकेट निकाले, तो इंडिया के सामने जो परफॉर्मेंस है मैक्सवेल की T20 में ना तो बल्ला चला ना तो गेंदबाजी उतनी ज़्यादा अच्छी कर पाई। हालांकि विशाखापट्टनम के मैदान पर जो इन्होंने एक मैच खेला था उस मैच में 56 रन बनाए थे, विकेट इनको भी ना मिला था, किसको? ग्लेन मैक्सवेल को। लेकिन मुझे लगता है आज के मैच में ना ग्लेन मैक्सवेल फिर से 50-60 या 70 या मतलब 40-70 के बीच में पारी खेल सकते हैं, 1-2 विकेट भी झटक सकते हैं, मतलब बहुत अच्छा खासा पॉइंट्स देने वाले हैं ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करके। कौन? ग्लेन मैक्सवेल। तो ग्लेन मैक्सवेल को हमें अपनी टीम में जगह देनी है, जगह देने के साथ साथ इन भाई साहब को कैप्टन एंड वाइस कैप्टन जरूर करें, किसको? ग्लेन मैक्सवेल को। मैथ्यू वेट की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 284 बनाए, 10 मैच 284 रन, अच्छा है ना जी? बिल्कुल, T20 के हिसाब से उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन इंडिया के सामने जो 11 T20 मैच खेला है उसमें 359 रन बनाए, यानी इंडिया के सामने ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके जाते हैं मैथ्यू वेट। और थोड़ा सा अक्षर पटेल के सामने फंसते जरूर है, लेकिन मुझे लगता है 30-35-40 की पारी आज की भी मैच में मैथ्यू वेट खेल सकते हो, साथ में जो विकेट कीपिंग करेंगे तो वहां से भी पॉइंट्स दे सकते हैं। कौन? मैथ्यू वेट। तो मैथ्यू वेट को भी हमें अपनी टीम में जगह दे देनी चाहिए आज के इस मैच में। मार्कस स्टोनिस की बात करें तो इन्होंने आखिरी के 10 मैच में 311 रन बनाए, 7 विकेट निकाले, तो मतलब मार्कस स्टोनिस भी T20 में ठीक ठाक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करके देते हैं। हालांकि इंडिया के सामने 8 T20 मैच खेला, 79 रन बनाए और सिर्फ 3 विकेट निकाला, तो इंडिया के सामने मार्कस स्टोनिस का भी ना तो बल्ले से कुछ खास आंकड़ा है ना तो गेंदबाजी करते हुए कुछ खास आंकड़ा है। और एक मैच खेला है विशाखापट्टनम के मैदान पे, उस मैदान पे सिर्फ 1 ही रन बना पाए थे, विकेट ना मिले थे, और मुझे लगता है मार्कस स्टोनिस आज की भी मैच में कुछ खास परफॉर्मेंस ना कर पाएंगे, ना तो इनका बल्ला चलेगा और ना ही गेंदबाजी करते हुए, अगर गेंदबाजी करने आएंगे तो सबका थोड़ा सा पिटाई उटाई भी हो जाए। तो मार्कस स्टोनिस को भी ना हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगह नहीं देनी। सीन अबाउट की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 16 विकेट चटकाए, 10 मैच 16 विकेट, मतलब यहाँ पे तो ठीक ठाक दिख रहा है, सभी मैचों में 1-2 विकेट निकाल लेते हैं, लेकिन इंडिया के सामने 4 मैच खेला है सिर्फ 1 विकेट निकाला, तो इंडिया के जो बल्लेबाज है ना सीन एबर्ट को विकेट विकेट ना देते हैं। और मुझे लगता है आज की मैच में हो सकता है सीन एबर्ट को 1-2 विकेट तो मिल जाए, लेकिन साथ में काफी ठुकाई भी हो सकती है, पिटाई भी हो सकती है।
सकती है। तो सीन अवॉर्ड से आज के मैच में हमें थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। टिम डेविड की बात करें तो इन्होंने आखिरी के 10 मैच में 374 रन बनाए, 2 विकेट निकाला। तो टिम डेविड भी ठीक ठाक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करके देते हैं। भारत के सामने 3 T20 मैच खेला, 74 रन बनाए, विकेट एक भी ना मिला, क्योंकि गेंदबाजी बहुत ही कम करते हैं, बल्लेबाजी भी 5वें 6वें पे करने आते हैं, लेकिन ठीक ठाक बल्लेबाजी करके देते हैं। मुझे लगता है ज्यादा लंबी पारी तो नहीं, लेकिन 30-35-40 की पारी टिम डेविड आज के मैच में ताबड़तोड़ वाले तेज तर्रार खेल सकते हैं। तो टिम डेविड को अपनी टीम में जगह देनी ही चाहिए। बाकी एडम जंपा की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 18 विकेट निकाले, मतलब सभी मैचों में 2-3 विकेट एडम चंपा कैसे भी करके निकाल लेते हैं। हालांकि इंडिया के सामने 12 T20 मैच खेला, 12 ही विकेट निकाले थे। इंडिया के सामने जो आंकड़े हैं T20 में चंपा के उतने ज़्यादा जबरदस्त नहीं है। विशाखापट्टनम के मैदान पर इन्होंने 1 मैच खेला, 1 ही विकेट निकाला। तो विशाखापट्टनम के मैदान पर जो 1 मैच खेला था उसमें बहुत अच्छी गेंदबाजी ना कर पाए थे, लेकिन मुझे लगता है एडम चंपा आज के मैच में बढ़िया गेंदबाजी करेंगे, 2-3 विकेट निकालेंगे चंपा साहब। तो चंपा को भी हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगह देनी चाहिए। किसको? एडम जंपा को। नाथन एलिस की बात करें तो आखिरी के 10 मैच में 14 विकेट निकाले, 10 मैच 14 विकेट, मतलब एक आधा विकेट सभी मैचों में तो निकाल लेते हैं, किसी किसी मैच में 2 विकेट मिल जाता है। बाकी भारत के सामने 1 T20 मैच खेला, 3 विकेट निकाले, यानी भारत के सामने नाथन एलिस ने शुरुआत बढ़िया करी। और मुझे लगता है आज के मैच में नाथन एलिस 2-3 विकेट फिर से निकाल सकते हैं इस मैच में। तो नाथन एलिस को भी हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगह देनी चाहिए। जैसन बैरन ड्रॉफ की बात करें तो इन्होंने आखिरी के 10 मैच में 15 विकेट निकाले, 10 मैच 15 विकेट, मतलब सभी मैचों में 1-2 विकेट निकालते हैं। भारत के सामने 4 T20 मैच खेला, 5 विकेट चटकाए, जिसमें से एक ही मैच में 4 ले लिया था, बाकी 3 मैच में सिर्फ 1 विकेट निकाला। विशाखापट्टनम के मैदान पे 1 मैच से पहले खेला और 1 ही विकेट निकाला। तो विशाखापट्टनम या भारत के सामने जो 1 मैच में 4 विकेट निकाले थे उसको हटा दिया जाए तो बहुत अच्छी गेंदबाजी जैसन ब्रेंड रॉफ नहीं कर पाए। मुझे लगता है एक आधा विकेट आज के मैच में जैसन ब्रेंड रॉफ को मिल जाएगा, ज्यादा विकेट ना मिलेगा, थोड़ा सा साथ में महंगे भी साबित हो सकते हैं। तो जैसन ब्रेंड रॉफ से आज के मैच में हमें बच के रहना चाहिए, फैंटेसी क्रिकेट टीम में जगह नहीं देना चाहिए। तो हमने यहाँ पे सभी प्लेयर्स के बारे में जान लिया, किनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है, कौन हो सकता है फ्लॉप। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फैंटेसी क्रिकेट की टीम बनाने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। बाकी मेरी टीम का इंतजार कर रहे हो तो इंतजार हुआ खत्म। ये थी मेरी टीम, ये जो मैंने टीम बनाई है बहुत ही एनालिसिस करने के बाद बनाई। होता क्या एनालिसिस मैं वीडियो में भी कर सकता, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए जबरदस्त टीम बनाना जो कि दे दी। अगर आप इस टीम के साथ जाएंगे तो आपके विन करने के चांसेस काफी ज्यादा हाई रहने वाले हैं। बाकी अगर आपको इस मैच की 2-3 टीम चाहिए बिनी ड्रीम 11 की तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जिसकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहां पे भी आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। अब सब इन फैंटेसी के नाम पर है। मैच स्टार्ट होने के 1 घंटे पहले आपको इस मैच की 1 नहीं 2 नहीं 3 ड्रीम 11 की विनिंग टीम मिलती है, कहां पे? मेरे टेलीग्राम पर। अब आप पूछते हैं आज का सवाल, तो भैया आज का सवाल यह है कौन से 2 प्लेयर आज के मैच में सबसे ज्यादा पॉइंट्स देने वाले हैं फैंटेसी या ड्रीम 11 में। कौन से 2 प्लेयर सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स देंगे आज के इस मैच में? कमेंट बॉक्स में जाओ, अपना जवाब बताओ। अगर आपका जवाब सही हुआ तो आप 2500 का गिब्बे अपने नाम पे कर सकते हैं। कितना ज्यादा आसान है, बस यही तो बताना है कौन से 2 प्लेयर सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स आज के मैच में देने वाले हैं। जो सबसे पहले सही जवाब देगा उसको मिलेगा 500 रुपए, अगले 10 लोग जो सही जवाब देंगे उनको मिलेगा 200 रुपए। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जाओ, अपना जवाब बताओ। बता दिया अपना जवाब, बहुत बढ़िया। अब जवाब बता दिया तो जो सबसे पहला वाला कमेंट है वो मेरे टेलीग्राम की लिंक है, उसको आपको जरूर से जरूर ज्वाइन करना है, अफसा बिन फैंटेसी के नाम से। क्यों ज्वाइन करना है? क्योंकि अगर आप गिब्बे जीतोगे तो जो आपका नाम है मेरे टेलीग्राम पे अनाउंस किया जाएगा। और दूसरी चीज, जो आपको गिब्बे की पेमेंट है वो भी टेलीग्राम से ही करी जाएगी, तो मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की पिच रिपोर्ट, मैच रिव्यू एंड फैंटेसी पिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।